हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आईजी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 30 के फ्लिपकार्ट सेल की प्राइस के बारे में। एंड गाइस, ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। यहाँ पे भाई बहुत ही कमाल का स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है एंड जिस प्राइस में ये आपको देखने को मिल रहा है ना भाई, अमेजिंग है सिंपली कहूँ तो। सो गाइस, ये फ़ोन की डिटेल में आपको जानकारी देते हैं एंड क्या इसमें प्रोस एंड कॉन्स है वो सारी जानकारी भी देंगे। सो गाइस, देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको प्राइस ही बता देता हूँ जो आपके एक्साइटमेंट है वो थोड़े कम हो जाएं। भाई ये बहुत ही अच्छा स्पेक्स प्रोवाइड करता है, 8GB रैम 256GB के साथ में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 13,500 में। भाई बहुत ही कमाल का डील है, यहाँ पे डेफिनेटली ये ले सकते हैं मेरे तरफ से। भाई गाइस, यहाँ पे आगे मैं आपको बताता हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है एंड प्रोज एंड कंस बता देता हूँ, फ्री फायर भी टेस्ट करके आपको दिखा देंगे एंड जो प्रोसेसर प्रोवाइड करता है वो भी जस्टिफाई करता है या नहीं, तो सारी जानकारी आगे आपको दे देते हैं। ओके, देखिए वीडियो को एंड तक। सो गाइस, ये रहा हमारा फ़ोन का डब्बा, सिंपली अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले हमारा फ़ोन ही देखने को मिल जाता है, ब्लैक कलर में हमारे पास है। बाकी इस अंदर की तरफ देखेंगे, हमें देखने को मिल जाता है 45 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि गाइस इसका चार्जिंग टेस्ट भी हमने कर दिया है, वो वीडियो जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही गाइस, यहाँ पे हमें एक टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पे और चीज़ें देख ले तो यहाँ पे आपको बैक कवर ग्लास जैसा देखने को मिलता है, हार्ड प्लास्टिक है बेसिकली ये। एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, तो ये बहुत ही सही दिया, वरना शॉप पे ढूंढना बहुत पड़ता है। भाई गाइस, यहाँ पे फ़ोन को निकालते हैं इस रैपर से बाहर। सो गाइस, यहाँ पे देखेंगे मैट फिनिश के साथ में डिज़ाइन आता है तो काफ़ी कूल लगता है। बस कैमरा साइड पे आपको मैट फिनिश नहीं है, बाकी 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ देखेंगे इन्फिनिक्स 5G की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, ठीक ऊपर वॉल्यूम की बटन्स हैं। एंड गाइस, टॉप पे देखेंगे तो आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है एंड अनफॉर्चुनेटली सेकेंडरी माइक नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिलता है। एंड लेफ्ट साइड में सिम टूल किट देखने को मिलता है जहाँ सिम और मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ गाइस, प्राइमरी स्पीकर एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक मतलब एक ही माइक है, दो होना चाहिए था। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है, तो सेकेंडरी माइक नहीं है, वो एक दिक्कत है। बाकी इस कवर काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है एंड काफ़ी ड्यूरेबल है, कोई भी मतलब ब्रेक होने के चांसेस नहीं है। नीचे और ऊपर से ये थोड़ा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट साइड से काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो यूट्यूब में ये 2K वीडियो को सपोर्ट कर लेता है, क्योंकि प्रोसेसर ये थोड़ा पावरफुल है इस वजह से, नहीं तो आजकल सभी ब्रांड्स 1080p मैक्स सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल गाइस, यहाँ पे आपको क्वालिटी भी अच्छा प्रोवाइड कर देता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा गाइस, अगर कैमरा की बात कर ली जाए तो गाइस यहाँ पे बहुत ही सही सही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे इसका हमने टेस्ट किया है, आप देख सकते हैं। बाकी 108 मेगापिक्सल वाला मोड भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें, 2K वीडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फिल्म मोड भी देखने को मिलता है, उसका हमने शॉट डाला था। ओके, ओवरऑल गाइस यहाँ पे डे लाइट में काफ़ी अच्छा आपको पिक्चर क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देता है, काफ़ी शार्प रहता है एंड देखने में पिक्चर भी काफ़ी सही लगता है। इसका गाइस हमने डिटेल कंपेयर किया है, ये वीडियो आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिएगा, चैनल पे देखने को मिल जाएगा, डिटेल में हमने बताया है। बाकी गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो गाइस इसमें मिलता है हमें डायमेंसिटी का 6080 प्रोसेसर, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड ये डायमेंसिटी 810 जो है उसी को रिब्रांड की है। तो गाइस यहाँ पे प्रोसेसर ये अपने प्राइस को इजीली जस्टिफाई कर लेगा एंड यहाँ पे देखेंगे स्नैपड्रैगन 695 अभी भी 20,000 का अप्रोक्स में देखने को मिलता है एंड गाइस उसमें सिर्फ और सिर्फ 1080p वीडियो में सपोर्ट देखने को मिलता है। बट गाइस इसमें आप मस्त मतलब 2K वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो क्लियरली 10 जो स्नैपड्रैगन का 695 है ना, उससे ये गाइस बेटर हो जाता है प्रोसेसर परफॉर्मेंस के मामले में। वैसे दोनों सेम ही FPS सपोर्ट करते हैं, लाइक फ्री फायर में तो 60 FPS ही दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्मूथनेस आपको बेटर देखने को मिल जाएगा इसमें एंड साथ ही इस बीजे में भी दोनों 40 FPS सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपको पावरफुल देखने को मिलता है, जैसे कि आपने YouTube में भी देखा कि 2K वीडियो भी सपोर्ट कर लेता है। वैसे 695 को ऑप्टिमाइज कर देते तो अच्छा होता, बट डिपेंड करता है भाई ब्रांड टू ब्रांड, कौन सा ब्रांड कैसे ऑप्टिमाइज किया है। यहाँ पे 695 को मैंने OnePlus Nord CE 3 Lite में टेस्ट किया था, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था, बट उसी प्रोसेसर को मैंने पोको में टेस्ट किया था तो वो भाई अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो ये बात हो जाती है। बाकी थोड़ा सा गेम प्ले देखिए, फिर आपसे मिलते हैं एंड में। Kill.
सो दोस्त फाइनली आपने देख लिया डिटेल में, एंड जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे वो मैंने आपको बता दिए। एक ही मुझे बेसिकली कहूँ तो कौन सा लगा, वो है कि इसका स्पीकर डुअल स्पीकर दिए एंड JBL का बहुत ही ज़्यादा ये मार्केटिंग भी किए थे कि JBL का साउंड दिए, बट एक्चुअल में भाई उतना ज़्यादा लाउड नहीं है, तो स्पीकर थोड़ा सा पीछे रहेगा बट ओवरऑल सही रहता है। एंड जो प्राइस में ये देखने को मिल रहा है क्लियरली मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ये फ़ोन को। सो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।